हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एग्जाम 2021 के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर को लेके आए वास्तविक संख्या। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग बारी बारी से एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन को डिटेल्स के साथ समझाएंगे ताकि आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी रहेगा। ठीक है, अगर आप 2021 में मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो वास्तविक संख्या में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, और ये आपका पार्ट वन वीडियो, इसी तरह के और भी आप लोग को पार्ट टू और पार्ट थर्ड वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप भी 2021 में मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा देने वाले तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सभी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके और 2021 एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स से पास आउट हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला नंबर प्रश्न आप लोग देखने पाएंगे, देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे दो परिमेय संख्या बोला गया है। जब भी आपको दो परिमेय संख्या बोलेगा और बोलेगा कि उनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है, देखिए आपका ऑप्शन ए में एक है, उसके बाद ऑप्शन बी में आपका दो है, ठीक है, और ऑप्शन सी में आपका तीन है और ऑप्शन डी में आपका अनंत है। तो देखिए आपको बता दें कि दो परिमेय संख्याओं के बीच हमेशा अनंत परिमेय संख्या हो सकती है यानी कि इन्फिनिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक से कटे और जो स्वयं से कटे, या फिर उसको कहते हैं जो जिसका फैक्टर करने से मात्र दो ही अभाज्य गुणनखंड आए, तो उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए आठ जो है, आठ आठ से कटता है और जब आठ का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये आपका दो चौका आठ हो जाएगा, फिर दो दुना चार हो जाएगा, तो इसका फैक्टर जो होता है दो से अधिक हो गया। तो अभाज्य संख्या वो होता है जिसका फैक्टर सिर्फ दो होता है, उसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। इसी तरह जब नौ का भी फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे आपका तीन तिया नौ हो गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तीन हो गया, फिर तीन का तीन हो गया, तो इसका फैक्टर जो है तीन से अधिक हो गया, तो ये अभाज्य संख्या तो होगा नहीं। इसी प्रकार हम जब 11 का यानी कि 11 का जब अभाज्य संख्या निकालेंगे तो ये आपका स्वयं से कटता है, 11 से भी कटेगा और ये आपका एक से भी कटेगा, यानी कि इसका फैक्टर जो है दो ही है, तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार तीन नंबर आप क्वेश्चन को देखने पा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में आपका 15 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका फैक्टर हो जाएगा, आपका तीन से जाएगा, तीन पाँच 15 हो गया, फिर पाँच एक पाँच हो जाएगा। ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका अभाज्य गुणनखंड जो इसका फैक्टर जो किए दो से अधिक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जब 12 का भी कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा, जब 75 का भी कीजिएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर आप 23 का करते हैं तो 23 का जब फैक्टर कीजिएगा तो ये स्वयं से कटता है, उसके बाद आपका एक से कटता है, तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आइए अब देखिए हमारे जो चार नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय है। ठीक है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो बट्टे में रहे, ठीक है, और p अपॉन q के रूप में जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और आपका q जो है नॉट इक्वलिटी जीरो के बराबर, q का मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखिए कि कौन जो है बट्टे के रूप में है, ठीक है, जो बट्टे के रूप में वो होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि रूट थ्री है तो ये परिमेय संख्या तो होगा नहीं, ये बट्टे में नहीं है, ठीक है, और रूट के अंदर भी है। और देखिए पाई, पाई जो है आपका एक अपरिमेय संख्या होता है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में चार बटे जीरो, तो यहाँ पे चार बटे जीरो है तो ये आपका तो परिमेय संख्या होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्यू जो है जीरो की इक्वलिटी है, यानी कि क्यू जो है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए चार बटे जीरो बटे चार है, ठीक है, तो ये आपका ऊपर में जो है पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जो है जीरो नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे पी हो गया जीरो, उसके बाद क्यू हो गया चार, तो ये आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये बटे के रूप में है, ठीक है, यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आइए पाँच नंबर प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पाँच नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर रहता है, ठीक है, जो रूट से बाहर ना निकले उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि ऑप्शन नंबर ए है आपका रूट अंडर रूट चार बटे नाइन है, ठीक है, यानी कि चार बटे नौ, जब आप रूट से इसको बाहर निकालिएगा
तो चार हो गया, दो का स्क्वायर रूट है ठीक है, उसके बाद नौ स्क्वायर रूट है तीन का, तो दो अपॉन नाइन टू बटे थ्री हो गया। तो ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये तो बटे में है ठीक है, ये दूर से ये दिख रहा है कि चार बटे नाइन, ये तो आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में देखा जाए कि यहाँ पे रूट सात है, रूट सात क्या ये स्क्वायर किसी का स्क्वायर रूट है, नहीं है, ये रूट सात बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आइए ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं कि रूट इक्यासी है, ये रूट इक्यासी नौ का स्क्वायर रूट है ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट सेवन ठीक है। इसी प्रकार आइए देखिए छह नंबर प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कौन अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका 0.14, ये आपका सात दशमलव प्रसार होता है, जो सात दशमलव प्रसार होता है वो आपका परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ये आपका 0.1416 के ऊपर बार है, यहाँ पे आपका रेकरिंग दिया हुआ है, जब भी रेकरिंग में होगा तो वो भी आपका परिमेय संख्या में यानी कि पी बटे क्यू के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व करके बना सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए कि 0.1416 के ऊपर रेकरिंग है यानी कि बार है, तो इसको भी हम लोग जो है परिमेय संख्या के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि 0.101 फिर 14 फिर 00 फिर 14 फिर 000 फिर 14, ये आपका होता है अशांत अनावर्ती ठीक है, यानी कि अशांत अनावर्ती को हम लोग जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप याद रखिए जो शांत दशमलव प्रसार होता है वह परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, उसके साथ साथ जो अशांत आवृत्ति होता है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, इसके अलावे जो अशांत अनावर्ती होता है उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार देखिए हमारा जो सात नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बताना है कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका है 0.15, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये सात दशमलव प्रसार है, ये इसलिए परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये भी सात दशमलव प्रसार है 0.1516, ये सात दशमलव प्रसार, इसको हम लोग जो है पी अपॉन क्यू के रूप में निरूपित कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ये आपका है अशांत आवृत्ति ठीक है, अशांत आवृत्ति को भी जो है हम लोग पी बटे क्यू के रूप में निरूपित कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो आपका दिया हुआ है 0.501 फिर 500 फिर 150 000 फिर 15 एंड .. ये जो है एक अशांत अनावृत्ति होता है, इसको जो हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, ये आपका अपरिमेय संख्या होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार देखिए हमारा जो आठ नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए आपका रूट 11 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या है, रूट 15 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, जब 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 5 15 हो गया, तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका अपरिमेय संख्या, ये आपका अपरिमेय संख्या है लेकिन बोला है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को देखा जाए तो रूट 9 है, यहाँ पे रूट 9 जो निकल के आएगा इसका 3 आ जाएगा, उसके बाद रूट 16 जो आपका हो जाएगा 4 × 16 हो जाएगा, यानी कि 4 × 12, ये आपका जो एक अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय संख्या है। इसी प्रकार रूट इसी प्रकार डी नंबर को भी देखा जाए तो ये रूट के अंदर है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जो है ऑप्शन नंबर सी में एक क्या है परिमेय संख्या, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। इसी प्रकार देखिए नौ नंबर जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि कौन जो है परिमेय संख्या है ठीक है। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो पी बटे क्यू के रूप में रहता है, यानी कि जो बट्टे में रहता है ठीक है। रूट तीन देखिए, रूट तीन एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रूट के अंदर में ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखा जाए ऑप्शन नंबर बी में तो यहाँ पे 2√2 / √2 है ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे में 1 छिपा हुआ है, 2/1 के रूप में इसको हम लोग निरूपित कर सकते हैं, नोट कर सकती है ठीक है। यानी कि जो भी बटे में होगा वो आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। इसी प्रकार आइए 10 नंबर प्रश्न को देखिए, हमारा जो 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रूट सात, ये जो आपका अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है ना, तो रूट सात जो होगा आपका अपरिमेय संख्या है। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखा जाए कि रूट 2/√5 है, तो देखिए ऊपर में भी रूट 2 है, उसके बाद रूट नीचे में भी रूट 5 है। देखिए जब अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब डिवाइड करते हैं यानी कि भागफल होता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, जब आप रूट 2 को √2 √5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या आएगा ठीक है। और ऑप्शन सी में देखिए कि रूट
थ्री अपॉन रूट सेवन है, ये तो आपका अपरिमेय संख्या है, ये है ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी को देखिए, जब आप 75/48 है ना, इसको आप एगो रूट बना दीजिए ठीक है, अंडर रूट इसको लिख सकते हैं 75/48 40 है ठीक है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा काटेगा तो यहाँ पे दो दुना चार हो गया, दो चौका आठ हो गया, फिर यहाँ आपका सॉरी तीन से जाएगा, तीन से इसको काटते हैं, अंडर रूट आपका है 75/48 है ठीक है। तो इसको हम लोग तीन से काटते हैं, तो तीन से कटेगा ही, तीन का तीन हो गया, तीन चौका अठारह हो गया, आपका तीन दुना छः, तीन पचे 25 हो गया, तो यहाँ पे आपका हो गया √25/√16। तो √25 आपका 5 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद √16 जो है आपका 4 का स्क्वायर रूट है ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 5/4, जो कि ये आपका अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अब आइए हमारा जो अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा जो 11वां प्रश्न अभी देखने पाएंगे, देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि कौन जो है आपका परिमेय संख्या है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए तो यहाँ पे आपका √49 आपका √64 है, तो 49 जो है 7 का स्क्वायर रूट है, तो ये आपका 49 निकल जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद 64 जो है रूट में, तो ये आपका 64 जो है 8 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आपका 7/8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिमेय संख्या ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हमारा जो 12वां प्रश्न है कि संख्या 0.3185 उसके बाद 643185 फिर 643185 फिर 64, यानी कि यहाँ पे कहा जाए कि 0.3185 64 यानी कि ये क्या है, बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3185 64 के ऊपर रेकरिंग लिख सकते हैं, यानी कि बार लिख सकते हैं। आपको बताया कि जो भी रेकरिंग होगा, यानी कि जिसके ऊपर रेकरिंग आएगा तो आपका परिमेय संख्या होता है, यानी कि जो आसान आवृत्ति है वो आपका परिमेय संख्या के रूप में उसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक परिमेय संख्या ठीक है। इसी प्रकार आइए देखिए हमारा जो 13वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो यहाँ पर भी आपको बतलाना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या है। देखिए √36 है, उसके बाद √64 है, तो 36 जो है 6 का स्क्वायर रूट है, उसके बाद √64 जो है आपका 8 का स्क्वायर रूट है, ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि √1 है, तो √1 क्या आता है 1, उसके बाद आपका √81 है, √81 किसका स्क्वायर रूट है 9 का है, तो आपका 1/9 हो गया, ये तो होगा परिमेय संख्या, ये तो भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी देखा जाए कि √3/√5 है ना, √3/√5 तो ये आपका दोनों अपरिमेय संख्या है, जब दो अपरिमेय संख्याओं को भाग करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बतलाना है कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी तरह डी को देखा जाए तो यहाँ पे √9/√49 है ठीक है, तो 49 जो है किसका स्क्वायर रूट है 7 का, 7 49 होता है, तो यहाँ पे -9/7 आ गया, तो ये आपका परिमेय संख्या है ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार आइए देखिए हमारा जो 14वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय, तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि √9 है ठीक है, √9 एक क्या होगा परिमेय संख्या हो, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट से जो बाहर निकल जाता है वो आपका परिमेय संख्या होता है, तो √9 किसका स्क्वायर रूट है तो आपका 3 का है, तो आपका 3 ये बाहर निकल गया तो ये आपका परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार देखा जाए कि √20 है ठीक है, √20 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे 2 × 20 हो गया ठीक है, और 2 × 5 = 10 हो गया, तो स्क्वायर रूट से वो बाहर निकलता है जब ज्वाइनिंग में आ जाता है, यानी कि जिसका डबल आ जाता है, डबल में से एको निकल जाता है, तो यहाँ पे 2 निकल गया, उसको 5 तो ये सिंगल रहता है, यानी कि 2√5, तो 20 जो है 2√5 हो जाएगा, तो ये तो होगा आपका अपरिमेय संख्या, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका परिमेय संख्या हो गया, √5 एक आपका अपरिमेय संख्या होगा ठीक है, यानी कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। अगर इस तरह देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में √25, तो √25 आपका है 5 का स्क्वायर रूट है ठीक है, यानी कि 5 ये बाहर निकल जाएगा, और √50 जो है 7 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 7 इसका बाहर निकल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस प्रकार आइए देखिए हमारे 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आपको बतलाना है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए √3, तो ये तो होगा नहीं आपका परिमेय संख्या, क्योंकि आपका √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि
क्योंकि रूट थ्री जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रकार अगर देखा जाए रूट फाइव बटे फाइव, तो देखिए रूट फाइव आपका हो गया अपरिमेय संख्या, उसके बाद फाइव हो गया आपका परिमेय संख्या। जब भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो उसका भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो रूट सात, रूट सात आपका हो गया अपरिमेय संख्या क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। इसी प्रकार अगर ऑप्शन नंबर डी देखा जाए तो यहाँ पे टू रूट टू बटे रूट टू है, तो यहाँ पे रूट टू से रूट टू खत्म हो जाएगा, तो यह आपका बचेगा टू। टू जो है आपका परिमेय संख्या क्योंकि आपका दो बटे, इसके नीचे में एक छिपा हुआ है, ठीक है, दो बटे एक के रूप में इसको लिख सकते हैं। जब भी पी बटे क्यू के रूप में किसी भी संख्या को लिख सकते हैं तो वो आपका परिमेय संख्या होता है, ठीक है। यानी कि आपका इसका राइट आंसर की बात कहा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए देखिए हमारे जो सोलानर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बतलाना है कि कौन सी संख्या जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में देखा जाए कि रूट सात, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आप याद रखिए कि जो भी रूट से बाहर ना निकले, ठीक है, तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए कि ये आपका है रूट टू बटे रूट सेवन, तो ऊपर में भी नहीं निकलेगा रूट से और नीचे में भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, ये भी आपका होगा अपरिमेय संख्या। और ऑप्शन सी में देखा जाए कि रूट थ्री बटे रूट सेवन है, तो ये भी आपका नहीं निकलेगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए कि रूट पच्चीस है, उसके बाद नीचे में आपका है रूट उनपचास, तो रूट पच्चीस जो है किसका स्क्वायर रूट है, पाँच है, तो पाँच रूट पच्चीस से पाँच बाहर निकल गया। इसी तरह रूट उनपचास से आपका सात बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये आपका पाँच बटे सात आ गया जो कि आपका पी बटे क्यू के फॉर्म में है, ये आपका परिमेय संख्या होगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना रहने दीजिए फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा अगर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो आपका वीडियो जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो फिर अच्छा नहीं होता आप लोग के लिए, ठीक है। तो छोटा ही वीडियो आपको देंगे, 10 से 15 मिनट का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जो आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप भी अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फिर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके 2021 एग्जाम में, ठीक है।